अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अनदर लेक्चर दैट इज़ बेसिकली द सेकेंड लास्ट लेक्चर इन योर कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. वी विल बी गोइंग टू स्टडी द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ BJTs. एज यू नो दैट वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ BJTs एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड द बेसिक्स ऑफ FATs. In BJTs, we have studied about the common emitter junctions and common emitter bias transistors, common collector bias transistors, and common base transistors, right? We have already discussed all these transistors in a big detail, and we have performed the DC analysis. What do I mean by DC analysis is that we have calculated the value of the collector current, the base current, the collector to emitter voltage, and the VB. All these things we have already done, right? Then we move ahead to the finite basically field effect transistors, FATs. In FATs, we studied two different categories. One was JFETs, junction field effect transistors. Other was MOSFETs, metallic oxide semiconductors, field effect transistors, right? Again, there we also studied how can we calculate their drain current, source current, their output voltages, and or performed all the DC analysis, right? So before starting this lecture, you should be aware of what's going on inside the BJTs and what is JFETs. ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है. ये लेक्चर जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट देखेंगे उनके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा पूरा का पूरा लेक्चर. आपको BJTs को और FATs को, आपको उन दोनों का डीसी एनालिसिस करना आना चाहिए. एंड व्हाट डू आई मीन बाय डीसी एनालिसिस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसका करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट करंट्स ग्राफिकली या बाय मींस ऑफ इन ग्राफिकली इन केस ऑफ FETs एंड मैथमेटिकली इन केस ऑफ BJTs, जो कि हमने लेक्चर्स में कवर किया है. ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले होगा, राइट? वंस यू आर डन विद दैट, देन हम उसका अब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे, जो आसान अल्फाज में क्या होता है, AC एनालिसिस. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग फर्दर. ओके, सो लेट्स बिगिन दैट व्हाट इज द BJT ट्रांजिस्टर मॉडलिंग. देखिए, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं. हमने DC एनालिसिस पहले पढ़ा था, अब हम AC एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस लेक्चर, राइट? हमने पहले DC एनालिसिस किया था, कलेक्टर करंट, बेस करंट वगैरह जो है वो कैलकुलेट किया था, और आपने ये चीज़ देखी भी थी खास तौर से कि इफ दिस इज अ ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो आपका यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, हाउ मच इज द बेस करंट, एंड आपका वोल्टेजेस कितने, ये सब आपने डिस्कस किया था. बट आपको ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन की थी कि ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, कि वो हमें कुछ गेन देता है. ठीक है, आपका जो इनपुट होता है वो कुछ चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इट गेट्स चेंजेस. ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मिस मैं हम कुछ इनपुट देंगे इस डिवाइस के ऊपर तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आएगा. मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपके पास आउटपुट पे कुछ एम्पलीफाइड वेव आएगी. ठीक है, कुछ बड़ी सी चीज़ बन जाएगी या कोई इन्वर्टेड बड़ी सी चीज़ बन जाएगी. ठीक है, समथिंग लाइक दैट, या सिमिलर रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, या छोटी हो जाएगी, वट एवर द थिंग इज. तो हमने इनपुट्स और आउटपुट्स को कंपेयर नहीं किया कि हमारे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या. हमने सिर्फ ये बात डिस्कस की कि अगर बेस करंट गया तो कलेक्टर करंट इतना आएगा, अगर वोल्टेज इतना दे रहे हैं तो इतना वोल्टेज आउटपुट पे आएगा. लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि यार वोल्टेज जो आउटपुट पे आ रहा है वर्सेज जो लोड पे जाएगा वो कितना है. ठीक है, तो अभी हम बात की कर रहे हैं कि अभी आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक तरह से समझ लीजिए एक डब्बा सा है. ठीक है, वी कंसीडर इट अ बॉक्स. दिस इज योर ट्रांजिस्टर एंड यू आर वर्किंग एट सम फैक्ट्री, आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, एंड इस फैक्ट्री में आपने इसकी एक पिन को ऊपर कोई वोल्टेज दिया है, एंड यू आर चेकिंग आउट द वोल्टेज एट द आउटपुट साइड. इसमें आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इसका बेस करंट कितना है, कलेक्टर करंट कितना है. आप कहेंगे यार आउटपुट पे वेव कैसी आ रही है, आप किसी ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे एंड यू विल सी दैट वेदर दैट वेव इज अ बिग इनफ और स्मॉल इनफ, किस तरह की उसकी वेव है. ठीक है, तो ये बात अपने अपने जहन में रखनी है कि अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम इनपुट और आउटपुट को देखेंगे, एंड फॉर दैट पर्पज वी बेसिकली नीड द AC characteristics of the transistor. ठीक है, हमें उसके लिए AC characteristics of the transistor चाहिए होंगी. अब कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि तुम्हें जब AC चाह रहे थे तो हमें DC पढ़ाया क्यों. ठीक है, why do we studied the DC characteristics, हमने क्यों पढ़ी, हमें तो AC चाहिए थी भाई. हम तो देख रहे हैं कि इनपुट पे ये आउटपुट पे आए, तो हमें तो AC पता होना चाहिए कि AC सिग्नल्स कैसे, AC का आउटपुट कैसे आता है. नहीं,
एसी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द डीसी फर्स्ट, ठीक है, आप पहले डीसी समझेंगे. वंस यू हैव अंडरस्टैंड द डीसी, देन हम एसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जंप कर सकते हैं, क्योंकि एसी के जो एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकली उसमें पहला डीसी ही कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम एसी पे आते हैं, ठीक है. सो ये हमारा पर्पस है. कुछ लोगों के जहन में शायद ये सवाल भी आ रहा हो कि अचानक से हम मॉस्फेट से यहाँ पे क्यों जंप कर दिया है. हमने इसलिए किया है बिकॉज एज पर यू सी एल ओ, आपके पास जो आपका सी एल ओ है उसमें हमने स्टार्टिंग सी एल ओ रखा था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन कि हम कोर्स किस हद तक कवर कर पाएंगे. तो उसमें यह था कि आपको बेसिक्स ट्रांजिस्टर्स की पता होना चाहिए जिसमें बीजीटीज और फैट्स आते हैं, फिर एसी एनालिसिस इज सेकेंडरी टॉपिक, ठीक है. तो अब हम उस वाले टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और बीजीटीज के बाद हम दोबारा फैट्स का एसी एनालिसिस करेंगे, ठीक है. तो अब तक जो हमने मैंने चीज़ें बोली हैं मैं उसको एक थोड़ा सा कंक्लूड कर दूँ कि हमने पहले सबसे पहले सेमी कंडक्टर मटेरियल्स पढ़े थे, फिर हमने डायोड्स पढ़े, फिर हमने जीबीए डायोड्स की एप्लीकेशंस पढ़ी जिसमें क्लिपर्स, क्लैंपर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर्स पढ़े. देन वी स्टडीड द बीजेटीज, उनकी हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी, फिर हमने पढ़े एफएटीज, उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस और टाइप्स पढ़ी, ठीक है. अब हम जा रहे हैं, पहले हमने बीजेटी की सिर्फ डीसी एनालिसिस किया था कि वो डीसी से किस तरह से काम करता है, अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एसी एनालिसिस के ऊपर, ठीक है, कि अब उसकी अगर मैं इनपुट पर कोई वेव देती हूँ तो आउटपुट पर वेव मुझे किस तरह की नज़र आएगी, हाउ मच वोल्ट्स विल बी आई एम गेटिंग एट आउटपुट दैट आई कैन सी ऑन द ऑसिलोस्कोप, ठीक है. और इसके बाद हम इंशाल्लाह एफईटीज का एसी एनालिसिस करेंगे एंड दैट विल कंक्लूड योर कोर्स, राइट. ओके, अच्छा अब हम आगे चलते हैं. लिखा हुआ क्या है, अ मॉडल यूजेस सर्किट एलिमेंट्स दैट अप्रोक्सीमेट द बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिस्टर. देयर आर टू मॉडल्स कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस, आरई मॉडल एंड हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मजे की बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए. होगा क्या, देखिए आपको मैंने ये बात कही कि मैं एक इनपुट देती हूँ, आई गिव सम इनपुट लाइक दिस टाइप ऑफ अ वेव, मैंने ये वेव दी और आउटपुट के ऊपर आई हैव टोल्ड यू कि मुझे यार बहुत बड़ी सी वेव मिली है, ठीक है. तो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, खासतौर से मैकेनिकल के बच्चों के जहन में ये सवाल आना चाहिए कि मिस ये पावर इन इतनी थी, ठीक है, एंड पावर आउट इतनी हो गई, और एज पर द लॉ ऑफ एनर्जी पावर जो आपके पास होती है, जो पावर इन एंड आउट शुड बी सेम, ठीक है. हम एफिशिएंसी को 100% से एक्सीड नहीं कर सकते. आपके इंजन को जितनी पावर सप्लाई करेंगे वो उतना ही वर्क डन परफॉर्म करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता. बट यहाँ क्या हो रहा है कि मैं इंजन को पावर कम दे रही हूँ, आउटपुट इंजन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दिस इज गेटिंग मोर पावर. तो अब जहन में सवाल ये आता है कि ये जो एक्स्ट्रा पावर है जो कि ये लॉ ऑफ पावर को या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, ये एक्स्ट्रा पावर कहाँ से जेनरेट हुई है, ठीक है, ये कहाँ से आई है, ये कोई अंदर कोई चीज़ लगी हुई है जिससे कि पावर मजीद एडअप हो गई, या कहाँ से ये पावर जेनरेट हुई है. द आंसर टू दिस वेरी क्वेश्चन इज दिस पावर इज बीइंग जेनरेटेड बाय योर एक अदद आप कह लें जो आपने इस पे वोल्टेज सोर्स लगाई हुई है वीसीसी. दिस वोल्टेज सोर्स, दिस डीसी सोर्स जो आपने ट्रांजिस्टर्स में देखी है जो यहाँ लगी होती थी इस जगह पे, जो मैं कहती थी आपसे इसको यूं करके आप बनाएं और इसका एनालिसिस परफॉर्म करें, अभी आप लोगों ने सीईपी जो जमा कराई थी उस पर भी परफॉर्म किया, जो यहाँ कलेक्टर पे सोर्स लगी हुई होती है वीसीसी, दैट सोर्स इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग पावर टू योर इनपुट सिग्नल एंड ट्राइंग टू एम्पलीफाई दैट सिग्नल. बात समझ में आई है, ये वो वीसीसी सोर्स है जो कि आपकी इसको इस सिग्नल को पावर प्रोवाइड कर रही है और इसको मजीद इन्हांस कर रही है, एम्पलीफाई कर रही है, जिसकी वजह से हमें एक सिग्नल एम्पलीफाइड वर्जन में नज़र आता है, ठीक है. और ये एम्पलीफाइड वर्जन उसके क्यू पॉइंट के नियर बाई होगा, जैसे मैंने हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ में भी चल नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा सेचुरेशन में भी नहीं जाएगा, ठीक है, वरना आपका आउटपुट क्लिप हो जाएगा. तो वीसीसी जो सप्लाई है दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग अस आउट इन प्रोवाइडिंग दैट सफिशिएंट आउटपुट, दैट सफिशिएंट पावर that is actually making this output looks bigger or inverted या जो भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है. इस वजह से हमारा पहला काम ये था कि हम जो इसको एक्चुअली ताकत प्रोवाइड कर रहा है उसको पहले स्टडी करें. दैट इज द वीसीसी, दैट इज अ डीसी सप्लाई एंड दैट इज कॉल्ड द डीसी एनालिसिस जो हमने किया था, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने, क्योंकि अब एसी एनालिसिस करेंगे तो हम सबसे पहले उसकी मॉडलिंग करेंगे. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम डिफरेंट मास स्प्रिंग सिस्टम की भी मॉडलिंग करते हैं स्टेट स्पेस इक्वेशन में, आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो. हम डिफरेंट सिस्टम्स को मैथमेटिकली मॉडल करते हैं, राइट. सिमिलरली हम इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर का पहले एक मॉडल बनाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाएंगे. उस मॉडल को बनाते हुए हम उसका एसी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे,
ठीक है, कि अगर कोई एसी इनपुट उसके ऊपर आए तो आउटपुट हमारे पास कितना आएगा, एग्जैक्टली आउटपुट आरएल पे कितना आएगा, लोड रेजिस्टर पे कितना आएगा, दैट इज द एसी एनालिसिस, ठीक है। एंड डीसी एनालिसिस क्या था, कि हमारे पास करंट्स कितने हैं, उसका क्यू पॉइंट किधर है, वो उसका उसका सेचुरेशन पॉइंट कौन सा है, वो कर्व में कहाँ लाइक कर रहा है, दिस इज बेसिकली द क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट उसका क्या है, राइट। लेकिन जो आउटपुट क्या आएगा, दैट वुड बी डिफाइंड बाय योर एसी एनालिसिस। आई होप अब आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ में आ गया हो। अब इस ये काम करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक हमारे पास है आरई मॉडल है, एक हमारे पास हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल है। हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल नहीं पढ़ेंगे, वी विल जस्ट स्टडी द आरई मॉडल। अब इन दोनों मॉडल्स में डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों हम क्या पढ़ेंगे, ये हम अभी देख लेते हैं। आपका जो आरई मॉडल है वो ये देखता है कि आपका ट्रांजिस्टर करंट किन कैरेक्टरिस्टिक्स में काम कर रहा है, ठीक है, दैट इज योर आरई मॉडल। और हम इस मॉडल को बेसिकली ये देखते हैं कि अगर लेट सपोज मैंने आपको एक ट्रांजिस्टर दिया है, उसका एक वीसीसी लेवल है, उसका एक आईबी आएगा, आप उसको कैलकुलेट करेंगे, एक कलेक्टर करंट आएगा, एक बेस करंट आएगा, एक उसका लोड पे वैल्यू आएगी, ठीक है। ये सब आप लोग काम ऑलरेडी कर चुके हो, सीईबी में भी कर चुके हो, आपने जो है वो डिफरेंट वीडियोज भी देखी, हमने ये सारे काम किए हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स पे अगर मैं मॉडलिंग करूं, ऑपरेटिंग पॉइंट पे अगर मैं मॉडलिंग करूं, पूरा मॉडल बनाऊं, किन पॉइंट्स पे, जो हमारे हर क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग वैल्यूज हम निकालते हैं, उन वैल्यूज पे अगर मैं मॉडल बनाऊं, दैट इज कॉल्ड द आर ई मॉडल, दैट इज कॉल्ड द योर वन ऑफ द मॉडल टू कैलकुलेट योर एसी एनालिसिस, आर ई मॉडल। और अगर कोई मॉडल आपका क्या करे, आपकी ट्रांजिस्टर देखे, उसका नंबर देखे, डेटा शीट खोले और डेटा शीट की स्पेसिफाइड वैल्यूज को उठाए और उससे मॉडलिंग करें, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है। तो ये दो तरह के मॉडल हैं, एक वो मॉडल है जो हर सर्किट का आप उसी कंडीशंस के हवाले से बनाएंगे, उसका बेस करंट क्या आ रहा है, उसका कलेक्टर करंट क्या आ रहा है, उसके लिहाज से आप कैलकुलेट करके आंसर्स निकालेंगे, दैट इज एन आर ई मॉडल। और हाइब्रिड इक्विवेलेंट क्या है, कि आपने डेटा शीट खोलनी है, उसमें से वैल्यूज निकालनी है, एंड दैट्स यू इंपुट इन दोज वैल्यूज एंड यू विल गेट दैट मॉडल, ठीक है। तो वी विल बी गोइंग टू स्टडी द आर ई। ओके, सबसे पहले जो आपके सामने नजर आ रहा है, हमें एक वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है। मैं इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा भूल रहे हों। बेटा ये हमारे पास एक अदद एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन क्यों है, बिकॉज इसका एरो बाहर की तरफ है, ठीक है। टॉप वाला टर्मिनल इज अ कलेक्टर, और जो इधर वाला होता है दैट इज अ बेस एंड इट्स एन इमिटर। कलेक्टर पर जो रजिस्टर लगा होता है दैट इज आर सी, इमिटर पर जो लगा हुआ है दैट इज आर ई, एंड यू हैव अ वी सी सी, you have two resistors R1 and R2, you have a source resistance जो कि आपकी, अब क्योंकि हम इस source की बातें करेंगे तो हम इसलिए इसको भी discuss कर रहे हैं, इस resistance की भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। and we have certain capacitors in front of you, C1, C2 and C3, ठीक है। ये हमें तीन अदद capacitors भी नज़र आ रहे हैं यहीं पर। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ज़रूरी है समझने का, कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि हम इसमें VB कैसे निकालेंगे, हम वोल्टेज डिवाइडर रूल निकाल लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसलिए ये बातें रिवाइज करवा रही हूँ, बिकॉज बाज़ वीडियोस में हम कुछ चीज़ देखते हैं, हमें याद हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाता है। VCC अपॉन R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मैंने आपको बताया था कि हम थेवेनिन थ्योरम हमने यूज़ की थी, इफ़ यू रिमेंबर, और हम उसमें हम VB कैलकुलेट करते हैं बाई यूजिंग दिस इक्वेजन। VB इज इक्वल टू VCC R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1, इसको टॉप पे रखेंगे R1 प्लस R2, तो हमारे पास VB आ जाएगा। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया था, सेम वही हमारा मासूम सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ओके, अब हम इसका परफॉर्म करते हैं मॉडलिंग, राइट। ओके, मॉडलिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी DC सप्लाईज को शॉर्ट सर्किट कर देना है। The first step is to basically short circuit your DC supplies. Short circuit का मतलब क्या होता है, short circuit का मतलब ये होता है कि आपकी ये DC supply की जगह एक अदद ground का जो है sign बन जाएगा। पहला step ये, step number one, right? आपने क्या किया, ये RC लिखा, आपने ground लगा दिया, because ये supply थी ऊपर, R1 के ऊपर भी supply ही जा रही थी, तो हमने दोनों जगह ground लगा दिया, ठीक है। और हमारे system में कोई DC supply नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, वो as it is वैसे ही रहेगा, right? This is the first step. Second step is, आपने capacitors chosen with very small reactance at the frequency of application, replaced by the low resistance or short circuit. हम क्योंकि AC signals पे काम कर रहे हैं, AC signals के ऊपर जो आपके पास capacitors का behavior क्या होता है, they become short circuit because of the high frequency, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंसी आपके पास जो उसके ऊपर अवेलेबल है। आप ये देखिए कि अगर मैं एक बात आपसे सिंपल से कहूँ कि जो आपकी कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस होती है,
रिएक्टेंस क्या होती है, कुछ के जहन में ये सवाल आएगा, रिएक्टेंस कैपेसिटर की होती है 1/2 πfc। आपने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कोर्स में ये चीज़ पढ़ी होगी। देखिए जैसे हमारी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस इतने ओम्स का है, इस तरह कैपेसिटर्स की रिएक्टेंस होती है, ठीक है। सॉरी, अब इस रिएक्टेंस के ऊपर जो है अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दे रहा है। और अगर ये रिएक्टेंस, मैं एक्स सी की बात कर रही हूँ, अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि करंट के फ्लो के लिए बहुत कम जगह है, आराम से जा सकता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है, राइट। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, क्योंकि एसी सिग्नल की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की नहीं होती, एसी की होती है, एसी की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, इस वजह से क्या होगा, आपकी ये रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो इस वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत कम हो जाएगी। जब वो रेजिस्टेंस कम होगी तो हम कहेंगे ये भी एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, या आप कह लीजिए एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस पाथ है। इस वजह से हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया है, यहाँ कैपेसिटर था ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, यहाँ पे भी कैपेसिटर था, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो गया है, यहाँ पे भी कैपेसिटर था, और ये कैपेसिटर जब करंट यहाँ पर आया, एक पाथ है ये रेजिस्टेंस वाला, एक पाथ है ये कैपेसिटेंस वाला जो कि शॉर्ट सर्किट पाथ हो गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई रिएक्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो इस पाथ को लेके ग्राउंड हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। तो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है आपका। पहला स्टेप क्या था कि डीसी सप्लाई को शॉर्ट सर्किट करना है, दूसरा स्टेप क्या है कि आपने कैपेसिटर्स को भी शॉर्ट सर्किट करना है, बिकॉज ऑफ द रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर आप देखें कि वो कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस भी गेम से निकल जाएगा, राइट। सो ये हमने पहला काम कर लिया, सारे काम हो गए। अब हमने थोड़ा सा सर्किट को दोबारा से बनाया है, दिस इज द सोर्स जो आपके सामने बनी हुई है, RS है, RS है, ये पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट हमारे पास आया, फिर यहाँ पे जाने के बाद एक पाथ ऊपर जा रहा है ग्राउंड पे, एक पाथ नीचे जा रहा है ग्राउंड में। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट तो वैसे ही सेम पोटेंशियल पे, दोनों का एक ही है, और ये वाला पॉइंट भी एक एक हो गए, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ होगा वर्सेस जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ होगा, दोनों सेम होंगे, तो इसका मतलब दे आर इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया R1 parallel to R2, ठीक है। फिर हमने ये वाला अपना सिंबल बनाया, हमने ये वाला वही सिंबल बनाया, इमिटर आपका शॉर्ट सर्किट था, शॉर्ट सर्किट बनाया, हमने ऊपर एक अदद RC बनाया एंड एक वी आउट बना दिया, ठीक है। ये RC भी ऊपर जाके ग्राउंड से कनेक्टेड था, तो हमने सारे ग्राउंड क्योंकि नीचे बना दिए, तो ये भी RC आपका इधर हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि इनपुट वोल्टेज है वो इस जगह पर आएगा, इनपुट करंट यहाँ पे जाएगा, आउटपुट करंट यहाँ पे होगा, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, जेड स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस इम्पीडेंस, सॉरी जेड स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस आपकी बेस पे आ रही है, आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ठीक है। ये दो क्या है मिस और कहाँ से आ गए, ये अभी आगे फ्यूचर में इसकी डिटेल्ड हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस ये याद रखिए कि हमने किस तरीके से मॉडलिंग की है। पहला काम क्या किया हमने, हमने सारे डीसी सप्लाईज को शॉर्ट सर्किट किया। दूसरा काम क्या किया हमने, इसके जो कैपेसिटर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस ट्रांजिस्टर साइन, इसको कैसे चेंज करें। तो हमें ये बात पता है कि बेस से इमिटर के दरमियान एक अदर डायोड लगा हुआ होता है, ठीक है। हमें किसने बताया कि भाई ये लगा हुआ होता है, हमें इसने बताया कि हम ये कहते हैं कि VBE प्लस और माइनस होता है, और VBE की वैल्यू कितनी होती है, VBE की वैल्यू आपकी होती है 0.7 volts, इतनी होती है भाई 0.7 volts, ठीक है। तो 0.7 क्यों हम कहते हैं, बिकॉज हमने कहा था कि सिलिकॉन जब बेस्ड ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे एक अदद एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे इस जंक्शन पे एक डायोड लगा हुआ है जो कि हमें क्रॉस करना होता है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एक बड़ी सी चीज़ थी हमारे पास, ठीक है, छोटी सी दरमियान में बेस थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट एनिमेशन यहाँ पे, सॉरी दिस वॉज आर बेस, दिस वॉज आर इमिटर, हमने कहा था इस जगह से यहाँ जाने के लिए 0.7 volts को क्रॉस करो, जब 0.7 volts क्रॉस होंगे तो ये डिप्लीशन रीजन खत्म होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इसका मतलब है यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, ऐसे ही बात हुई कि यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ लगी हुई, जब तक मैं 0.7 volt नहीं क्रॉस करूँगी, जब तक यहाँ पे जो है डिप्लीशन रीजन को मैं क्रॉस नहीं कर सकती, एंड हेयर आई कैन नॉट ओवरकम दिस डायोड। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी वजह से यहाँ पे एक अदद डायोड लगा दिया, विच यू कैन सी हेयर,
कहाँ लगाया डायोड? बिटवीन द बेस एंड द इमिटर जंक्शन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन. एंड फ्यूचर में हम इस डायोड को, हमें पता है कि डायोड भी एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को हमने रिप्लेस कर दिया इस आर ई से. ठीक है, एंड आर ई की वैल्यू क्या थी अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछली क्लास में भी डायोड की में देखा था ड्यूरिंग द क्लास सेशंस, आर ई की वैल्यू थी 26 मिली वोल्ट अपॉन वॉट अपॉन योर आई ई, यही वैल्यूज थी. ठीक है, सो दिस इज द आई कमिंग ओवर इट एंड 26 मिली वोल्ट इज बेसिकली द फॉर्मूला जो कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन कर आया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज कि जो कलेक्टर करंट है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अगर मैं उसको लिखना चाहूँ बेस की फॉर्म में तो वो होता है बीटा आई बी की फॉर्म में. तो क्योंकि ये कलेक्टर करंट डिपेंडेंट है आई बी की फॉर्म में, तो इसका मतलब है हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक करंट सोर्स की फॉर्म में. ठीक है, करंट सोर्स क्या होती है? देखिए, करंट सोर्स जो आपकी होती है वो सोर्स ऑफ करंट होती है, करंट को निकालती है. ठीक है, अगर मैं जो कहूँ वोल्टेज सप्लाई कैसे बनेगी, तो वो तो प्लस माइनस के साइन से बनती है. अब क्योंकि ये करंट सोर्स है तो एक एरो से बनती है, तो ये हमने एरो से बनाया कि करंट सोर्स नीचे जा रही है और ये किसके बराबर है, आई सी इंटू बीटा आई बी. इससे हमें क्या पता चला कि मैं इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर सकती हूँ एक डायोड से एंड एक करंट सोर्स के साथ. ठीक है, करंट सोर्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कलेक्टर से करंट भी फ्लो कर रहा होता है आपका एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन आई बी, वो हमने करंट सोर्स से शो किया है. तो अब हमारे पास फाइनल मॉडल बना है फॉर योर क्या कहते हैं, किसी भी एक जंक्शन का कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का. अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे हमने वोल्टेज डिवाइडर को डिस्कस किया था, वो कुछ इस तरीके से बनेगा. एक आपके पास रेजिस्टेंस होगी, एक आपके पास करंट सोर्स होगी और आपके पास बाकी ये वाले वोल्टेजेस होंगे. ठीक है, ओके. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जेड आई कैलकुलेट करें, बिकॉज दिस इज द इनपुट साइड, यहाँ पे हमें सिर्फ इनपुट नजर आ रहा है. ठीक है, इनपुट साइड है ये, तो जेड आई क्या है, इनपुट इम्पीडेंस. तो जेड आई इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर. ठीक है भाई, और अगर मैं इसको बात कर रही हूँ इम्पीडेंस की फॉर्म में, तो वी इज इक्वल टू आई जी, जी इज ऑल्सो एन इम्पीडेंस, आपको पता है. तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आई. ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग जेड एज जी बिकॉज पे वी और जी कन्फ्यूजन हो जाएगी. जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, राइट. सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, राइट. और हम क्योंकि इनपुट की बात कर रहे हैं, तो हमने आई का एक अदद सबस्क्रिप्ट यहाँ पे मैंशन कर दिया है. ठीक है, वी आई किसके बराबर है, अगर हम वी आई को देखें तो वी आई बराबर है वी बी ई के. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें पता है नीचे तो ग्राउंड है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जो इन वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहा होगा. और यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है वी आई पे, वही वोल्टेज आपका वी बी ई पे भी आ रहा है. हमने रिप्लेस कर दिया वी बी ई अपॉन आई बी. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया, हमने वी बी ई फाइंड आउट किया. व्हाट इज़ द वी बी ई वैल्यू, तो वी बी ई जो है वो किसके बराबर होगी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वी बी ई बराबर होगी जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, आई ई आर ई. हमने यहाँ पे लिख दिया आई ई आर ई. ठीक है, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि वी बी ई जो होता है वो वी बी माइनस वी ई होता है, तो यस, वी ई जो है वो हमारे पास अब क्या होगा, अभी भी आपके पास वो आई ई आर ई ही होगा. ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग. फिर हमने आई ई किसके बराबर होता है, आई ई बराबर होता है आपका ये जो करंट, ये जो करंट है किसके बराबर है, जो ऊपर से करंट यहाँ आ रहा है बेस से और जो कलेक्टर से करंट आ रहा है. तो हमने यहाँ पे लिखा आई सी प्लस बी, आई बी इंटू आर ई. आर ई कौन सा, यही वाला आर ई आगे चला गया और आई ई को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कलेक्टर प्लस बेस करंट. यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, जो यहाँ से आ रहा है और ऊपर से आ रहा है, ये दोनों मिलके यहाँ पे जाके फ्लो हो रहे हैं इमिटर पे. तो हमने लिख दिया आई सी प्लस आई बी. ठीक है, आई सी की वैल्यू कितनी है, हमने अभी फाइंड आउट की थी बीटा आई बी, यहाँ मैंने बीटा आई बी रिप्लेस कर दिया प्लस आई बी इंटू आर ई. हमने आई बी को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, बीटा प्लस वन आई बी आर ई वैल्यू आ गई वी बी ई की. अब जो मेरे पास इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला था वी बी ई अपॉन आई बी, मैंने यहाँ पे वी बी ई की वैल्यू रिप्लेस की, आई बी विल गेट कैंसिल एंड आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड आई, दैट इज द इनपुट इम्पीडेंस इज बीटा प्लस वन इंटू आर ई. ठीक है, अगर अब बीटा प्लस वन करें, आप 100 करें या 101 करें, ये मोर और लेस आंसर क्लोज बीटा आर ई के ही आएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोर और लेस इट इज इक्वल टू बीटा आर ई, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा आर ई. ठीक है, सो दिस इज वी हैव फाइंड आउट द इनपुट इम्पीडेंस, राइट. आर ई की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे हमने बीटा आई बी, तो वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई थी. ठीक है,
आर नॉट जो है वो हमारे पास जो है वो की क्या चीज़ है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इनपुट जो इम्पीडेंस है ट्रांजिस्टर की वो कितनी हमने फाइंड आउट की है, दैट इज बीटा आर ई, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो अब हमने अपने सिंपल आर ई को हमने रिप्लेस किया, हमने कहा यार हम 100% वो ट्रांजिस्टर को नहीं कर सकते बिकॉज और भी जगहों से चीज़ें आ रही हैं। तो जब हमने कैलकुलेशंस की तो हमारे पास आंसर आया बीटा आर ई एंड बीटा आई बी, और ये आर ई की वैल्यू कितनी है 26 mV/I, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इसी तरीके से जो आउटपुट आपकी रेजिस्टेंस है, अब हम देखते हैं वो कितनी होगी, उसको हम अभी कॉल कर रहे हैं आर नॉट। ठीक है, तो ये कंप्लीट मॉडल होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि आपका फॉर अ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिससे आप एसी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ कॉमन इमिटर की, ये हर कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग मॉडल्स डेवलप होंगे। ठीक है, हम सिर्फ कॉमन इमिटर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ से आया। इफ़ यू सी, अगर आपको याद हो बहुत ही पुराना हमारा अच्छा वाला मज़े वाला ग्राफ था, वी सी ई था, आई सी था, ये हम देख चुके हैं, बीच में बेस करंट जा रहे थे। ठीक है, तो ये वही सेम ग्राफ है जो आउटपुट का ग्राफ है। ठीक है, मैं इसको आउटपुट का ग्राफ क्यों कह रही हूँ, मैं इसको आउटपुट का ग्राफ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है और ये हमारे पास आउटपुट करंट है। सो दिस इज बेसिकली एन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसकी इस वाले कर्व के ऊपर एक अदद आप कह लीजिए एक अदर स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, दिस इज माय वाई, दिस इज माय एक्स, ऐसे ही होगा स्लोप फाइंड करते हैं ग्राफ का। तो मैं अगर वाई अपॉन एक्स करूंगी, और मैं अभी कोई मजे की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अच्छा, अब वाई की वैल्यू क्या है, वाई बेसिकली मेरे पास आई सी है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू इज वी सी ई। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, वी सी आई सी अपॉन वी सी किसके बराबर हो गया, वन अपॉन आर। ऐसी यही बात है, आर होता है वी अपॉन आई, तो वन अपॉन आर किसके बराबर हो गया, आई अपॉन वी सी ई। तो अब जब मैं इसको उल्टा करूंगी तो दिस बिकम्स आर इज इक्वल टू वी सी ई अपॉन आई ई, वी सी ई अपॉन आई सी, जो कि आपके सामने मैं लिखने के बजाय यहाँ लिखा हुआ है, ये निकाल देती हूँ। R इज इक्वल टू वी सी ई इन डिवाइड बाई आई सी, चेंज का हमने इसलिए निकाला है ताकि हमें पता चले जो इसका स्लोप है, इस ग्राफ के जो कर्व्स का स्लोप आएगा वो बेसिकली आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये आउटपुट रेजिस्टेंस जो है आपने उसको यहाँ पे आपने मेंशन किया है R नॉट, और इसकी यूजुअली वैल्यूज़ क्या होती हैं, 40K से लेके 50K तक। ठीक है, तो अभी तक जो कुछ बातें आई हैं सामने, सो फाइनल हमारे पास अभी तक क्या चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास ये आ गया है कि हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने सबसे पहला काम ये किया डीसी सप्लाईज को शॉर्ट सर्किट किया, कैपेसिटर्स को भी शॉर्ट सर्किट किया, उसकी वजह से अगर किसी चीज़ पे इफेक्ट आ रहा है तो उसको भी चेंज किया। चेंज करने के बाद नेक्स्ट काम हमने क्या किया, नेक्स्ट काम हमने ये किया कि हमने कहा कि कलेक्टर से करंट आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं आईसी, और वो आईसी किसके बराबर होता है, वो आईसी बराबर होता है बीटा आईबी के, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक अदद करंट सोर्स लगा दी जो कि कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ जा रही है क्योंकि हमने सारी सोर्सेज को ग्राउंड कर दिया था। ठीक है, फिर हमने एक और चीज़ निकाली कि हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता है जो कि हमने बहुत सा देखा है, VCE और IC का ग्राफ, वो जो आपने मैं देखा है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स के अंदर भी हमने देखा था कि हमने ये ग्राफ्स देखे थे। उस ग्राफ में जब हमने स्लोप कैलकुलेट किया वो तो रेजिस्टेंस के बराबर स्लोप हो जाता है, अगर मैं उसको इन्वर्ट कर दूं स्लोप को, वन अपॉन स्लोप कर दूं, तो दैट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस बिकॉज वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो वहां से जो रेजिस्टेंस आएगा वो वैल्यू हमने यहां पे लिख दी है। ठीक है, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ, हमने ये कैलकुलेट किया कि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है। उसके लिए मैंने सबसे पहले कहा कि यार ट्रांज के डायोड का जो रेजिस्टेंस होती है ना वो आर ई के बराबर होती है, उसको रिप्लेस किया मैंने एक अदद आर ई से। जब मैंने आर ई से रिप्लेस किया तो मैंने कहा यार इसमें और भी चीज़ें आ रही हैं, इसमें ऊपर से करंट भी बेस से भी आ रहा है, कलेक्टर से भी आ रहा है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, करंट बढ़ेगा, आपके पास जो रेजिस्टेंस पे ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमने इसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकली परफॉर्म किया एंड वी फाइंड आउट दैट द इनपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर की वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू बीटा आर ई। तो ये हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है, दिस इज जेड आई, दिस इज जेड आउट, ये बात याद रखनी है, दिस इज माई जी आई एंड दैट इज माई जी आउट, दिस इज माई जी आई बीटा आर ई एंड दिस इज माई जी आउट। ये सब फैक्टर्स मिलके हमें हेल्प आउट करेंगे ए सी एनालिसिस परफॉर्म करने में। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन, हमें अब समझ में आ गया हमें क्या करना है। अब हम बारी बारी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, उसका पहले ये वाला मॉडल बनाएंगे, फिर उससे वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल फिनिश द लेक्चर। ठीक है।
सो फर्स्ट थिंग हमारे सामने आ रही है कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला काम क्या था, हमने जो है वीसीसी को रिमूव किया, तो ये आरबी भी ग्राउंड हो गया, आपके सामने आरबी भी ग्राउंड हो गया है, आरसी भी ग्राउंड हो जाएगा, आरसी भी ग्राउंड हो गया, बीच में कैपेसिटर है, इमिटर भी ग्राउंड हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दें, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट किया है, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, देखिए डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, ये भी डायरेक्टली वी आउट से कनेक्ट हो गया, ये भी डायरेक्टली वी आउट से कनेक्ट हो गया, पहले दो काम हमारे हो गए, ठीक है। अच्छा एक बात अपने जहन में रखिएगा कि आई नॉट का फ्लो क्या है, फ्लो ये है कि ये जा रहा है टुवर्ड्स द ट्रांजिस्टर जा रहा है, ठीक है, और वीसीसी से निकला था यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है ग्राउंड से निकला था और टुवर्ड्स ट्रांजिस्टर जा रहा है, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड बनाई है कि ग्राउंड से निकला है, वीसीसी से निकला था और टुवर्ड्स द ट्रांजिस्टर जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने अब इस मॉडल को छेड़ना, ये जो दरमियान वाला ब्लू सर्कल है इसको करने के लिए मुझे पता है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस कितनी होती है, बीटा आरी, मैंने बीटा आरी लिख दी। फिर मुझे ये पता है कि करंट सोर्स होती है एक अदद बीटा आई बी, कलेक्टर करंट होता है हमारे पास जो कि बीटा आई बी के बराबर है, मैंने वो लिख दिया, और एक अदद आर नॉट रेजिस्टेंस होती है वो लिख दी। तो मैंने इन तीन चीज़ों को अपना इस ब्लू सर्कल की जगह इस ब्लू रेक्टेंगल से रिप्लेस कर दिया, ये ब्लू सर्कल पूरा ब्लू रेक्टेंगल से रिप्लेस हो गया, करंट सोर्स और आउटपुट रेजिस्टेंस यहां लग गई एंड इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास यहां पे लग गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब मुझे बताइए कि जेड आई इस केस में कितना है, तो जेड आई ऑब्वियसली एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो हमने लिख दिया आर बी पैरेलल टू बीटा आर ई, ठीक है। और क्योंकि आर बी जो है वो, अगर आपको ये बात भी हो पता होगी आपको डेफिनेटली कि जो जो आर बी होता है वो बहुत मेगा ओम्स में होता है, बड़ा रेजिस्टर होता है, ठीक है, यहाँ गलती से आर ई लिखा हुआ है, दिस शुड बी आर बी, सही है। अच्छा आर बी जो होता है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब हम दो चीज़ों को पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं और एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी है तो आंसर हमेशा छोटा आता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि दो रेजिस्टर्स हैं, एक 10 ओम्स का लगा हुआ है पैरेलल में 100 ओम्स के साथ, तो आप 1/10 प्लस 1/100 करेंगे, फिर आप उसको इन्वर्ट करेंगे, आपके पास आंसर 10 के नियर बाय आएगा, 100 के नियर बाय नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो छोटी वैल्यू है उसके नियर बाय आंसर आएगा बीटा आर ई, ठीक है। आप चाहें तो पूरा ये एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, आप चाहें ये वाला यूज़ कर लें। अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या होगी, आर सी पैरेलल टू आर नॉट, हमने वहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगेन आर नॉट बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो है हमने कहा कि छोटी वैल्यू करीब होगा जो कि आर सी है, ठीक है। अब हम वी आउट कैलकुलेट करते हैं, वी आउट की वैल्यू कितनी है, वी आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड दिस। अब इसके ऊपर जो करंट कितना जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है आई सी, और IC किसके बराबर है, बीटा IB, तो हमने लिखा करंट इज बीटा IB। कितने रेजिस्टेंस हैं, RC पैरेलल टू R0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपका RC पैरेलल टू R0, दिस इज IR, ठीक है। और I क्या है, बीटा IB, और ये रेजिस्टेंस आ गई। साइन नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वोल्टेज सप्लाई में जो आपका करंट होगा वो प्लस से एंटर नीचे जाता है, क्या मतलब है मेरा, आपके पास करंट यूं होना चाहिए था, लोड के ऊपर करंट यूं एंटर होता है, जब भी जिस साइड से एंटर होता है करंट उस पर हम प्लस लिखते हैं, जिससे निकलता है उससे हम माइनस कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर, यहाँ पे आपका समझ लीजिए कोई लोड लगा हुआ है, कोई एलईडी लगी हुई है, तो उसमें करंट एंटर होने जगह को हम पॉजिटिव कहते हैं, जहाँ से निकलता है वहाँ से नेगेटिव। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये आई नॉट करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि पिछली वाले स्लाइड में कि आई नॉट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, बिकॉज वो वी सी सी से निकल रहा है, एंड वी सी सी इज दिस पॉइंट जिसको हमने ग्राउंड कर दिया है, जब वो इससे निकल रहा है तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई नॉट जो कि ऊपर जा रही है, ठीक है। और क्योंकि इसको जाना यूं चाहिए था और जा ये यूं रहा है, तो इसका साइन हम ऑपोजिट लिखेंगे, दैट इज़ वाई वी हैव पुट दिस माइनस साइन हेयर, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं बेस करंट की बात करूँ तो बेस करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है वी आई, पैरल में लगे हुए सब लोग वी आई, रेजिस्टेंस कितनी है बीटा आर ई डिवाइड बाई बीटा आर ई वी अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने आई बी की ये जो वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या हो गया, वी आउट इज इक्वल टू माइनस बीटा आई बी की जगह मैंने लिखा वी आई अपॉन बीटा आर ई आर सी पैरेलल टू आर नॉट, सिंपली ये वाली वैल्यू उठा के आई बी की जगह रिप्लेस की है, ठीक है। जब ये आ गया तो अब मुझे फाइंड आउट करना था, जो हमारी ऐसे एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं वैसी, वी आउट अपॉन वी आई कि कितना आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट कितना गेन आ रहा है, तो मैंने ए वी लिखा, ए वी इज द साइन ऑफ वोल्टेज गेन विच इज इक्वल टू वी आउट अपॉन वी आई, वी आउट अपॉन वी आई, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बीटा आर सी पैरेलल टू आर नॉट डिवाइड बाई बीटा आर ई, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस आर सी पैरेलल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई आर ई,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आर नॉट की वैल्यू बहुत बड़ी है एंड इट्स वेरी मच वेरी मच बिगर. तो हमने कहा कि ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, आर सी अपॉन आर ई के बराबर होगा. तो अब हमारे पास ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आ गया है कि अगर आपके पास इस तरह की कॉन्फिग्रेशन आए तो आप सिंपली कैपेसिटर की वैल्यू लीजिए, आर सी सॉरी कैपेसिटर कह रही हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू लीजिए जो कि आर सी है, उसको डिवाइड कर दीजिए 26 मिली वोल्ट अपॉन आई ई से, तो आपके पास वोल्टेज गेन आ जाएगा. अभी हम ये सब करेंगे भी, ठीक है. अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि मिस यार आपने तो ये सारा काम तो हो गया, डीसी एनालिसिस क्यों किया. देखिए, डीसी एनालिसिस आपने इसलिए किया क्योंकि बेस करंट हमें नहीं पता था, हमें डीसी एनालिसिस से कैलकुलेट करना होगा. आर ई कैलकुलेट करने के लिए मुझे इमिटर करंट चाहिए, आर ई इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट अपॉन आई ई, उसके लिए अगेन मुझे डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, इसलिए पहले हमने डीसी एनालिसिस को स्टडी किया है, ठीक है. सो मैं यहाँ पे आर ई का फॉर्मूला दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, आर ई इज इक्वलेंट टू 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई ई, ठीक है. अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं. अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें मेंशन करने की रह गई थी मेरे से, वो ये है कि आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट पे कुछ इस तरह की चीज़ आई और आउटपुट पे कोई बड़ी चीज़ आई, ठीक है. बड़ी चीज़ आने आई जब हमने कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे भी, लेकिन साइन नेगेटिव आया. साइन नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपका इनपुट जो आउटपुट जो आपका होगा वो इनपुट से इन्वर्टेड वर्जन होगा, यानी कि जब ये हाई होगा तो ये लो होगा, जब ये हाई ये वाला हाई होगा तो ये वाला लो होगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. तो डेमोन्स्ट्रेटिंग द 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है. ये माइनस साइन यहाँ पे ये वाली बात इंडिकेट कर रहा है. अब एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं. इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, बहुत बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होते. अगर आपको आप एक दफ़ा प्रैक्टिस अपने घर में इन सब की करें तो आपको खुद ब खुद फार्मूलेज भी याद हो जाएंगे. जब फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करती हूँ आपके सामने, ताकि कैलकुलेशंस आपके सामने, मॉडलिंग मैं आपके सामने करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. अच्छा, सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है डिटरमिन आर ई. आर ई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 26 मिली वोल्ट अपॉन आई ई यहाँ मेंशन है. तो सबसे पहले तो मुझे आई ई फाइंड आउट करना है, और आई ई किसके बराबर होता है, आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी के. अगर आपको याद हो, आई ई बराबर था हमारा, इट इज़ इक्वलेंट टू आई सी प्लस आई बी, और आई बी किसके बराबर था, आई बी बराबर था हम आई सी सॉरी किसके बराबर था, इट वॉज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई बी, ठीक है जी. अब अगर मैं यहां से बीटा आई बी सॉरी कॉमन ले लूं तो इट विल बी इक्वलेंट टू बीटा प्लस वन, ठीक है. तो यही वैल्यू हमने लिखी हुई है, आई ई किसके बराबर है, बीटा प्लस वन आई बी की. बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 100, हमने यहाँ 100 लिखा है, 101 हो गई प्लस वन ऐड करके. एंड आई बी की वैल्यू हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की है, दैट इज़ बेसिकली 24. बताती हूँ कैसे कैलकुलेट की है, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ आई ई. और ये आई ई की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में डाली तो हमारे पास आर ई आ गया. अब आई बी कैसे कैलकुलेट किया, अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा, वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइड बाई आर बी. ये हम पहले भी कर चुके हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है इस वाली साइड पे, 12 माइनस 0.7 जो यहाँ पे दो जगहों पे ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस विल गिव यू द बेस करंट, ठीक है. ये हम पहले भी पूरा काम कर चुके हैं इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही. अब हम चलते हैं इसकी मॉडलिंग की तरफ, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. मॉडलिंग करने के लिए बेटा सबसे पहला मैंने काम क्या कहा था कि सबको शॉर्ट कर दो. तो इसका मतलब है कि 470 ओम्स का रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट हो गया बेचारा, वी डोंट हैव एनी थिंग हेयर, हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया 470 के, ठीक है. यहाँ से एक पॉइंट निकल रहा है जो कि वी आई के ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ बना दूँ, दिस इज़ अगेन शॉर्ट सर्किटेड, और वी आई को हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, ठीक है. अच्छा, मैं इससे आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगी तो साथ साथ प्लीज़ सुनिएगा, बिकॉज ड्राॅइंग बाद में समझ में नहीं आएगी जो मैं बनाऊँगी, सही है. फिर अगर मैं यहाँ की साइड पे देखूँ तो यहाँ 3 किलो ओम्स का रेजिस्टर है कलेक्टर साइड पे, तो अब अगर मैं 3 किलो ओम्स को देखूँ तो उसका भी जो एक एंड है दैट इज शॉर्ट सर्किट जो 12 वोल्ट्स का था, और 12 वोल्ट से करंट निकलता हुआ ऊपर जा रहा था, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई नॉट, ठीक है. अब इमीटर आपके पास वैसे ही शॉर्ट सर्किट है तो इमीटर को मैं एक यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बना देते हैं. अब एक हमारे पास कलेक्टर पे करंट जाता है बीटा आई बी, तो मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया एंड दिस इज आई सी जिसको मैं बीटा आई बी कहूँगी, ठीक है. एक यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस आर नॉट जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 50 किलो ओम्स का, ठीक है. दिस इज आर नॉट एंड दिस इज गिवन हेयर 50 किलो ओम्स,
ठीक है, और एक यहाँ से जो इनपुट पे भी तो कोई चीज़ आती है ना भाई, दैट इज इक्वल टू बीटा आर ई, जो कि हमने पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस की थी, बीटा आर ई। सो दिस इज माई कंप्लीट मॉडल ऑफ, और ये आउटपुट आपका हो जाएगा वी आउट, ठीक है। सो दिस इज माई कंप्लीट, आपके पास आ गया है मॉडल, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है जेड आई। जेड आई फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सिंपली क्या नजर आ रहा है, जेड आई किसके बराबर होता था हमारे पास, आर बी पैरेलल टू बीटा आर ई, यही होगा। हमने यहाँ पे लिखा आर बी पैरेलल टू बीटा आर ई, आर ई आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बीटा की वैल्यू गिवन है, पहले बीटा आर ई फाइंड आउट कर लिया, फिर आर बी पैरेलल टू बीटा आर ई के आंसर आ गया, वेरी इजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट जेड आउट, लेकिन वैल्यू लिखी हुई है आर नॉट की, जो है वो बिल्कुल इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो हमने आर नॉट को इग्नोर कर दिया। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जो ये वाली जगह थी यहाँ पे हमारे पास एक अदद आप कह लें कि ओपन सर्किट हो गया ना, इनफिनाइट हो गया, इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया, इसका मतलब है कि अब वैल्यू कितनी होगी अगर मैं यहाँ से देखूँ इस तरफ से, इस तरफ से, यानी कि मेरा मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से देखूँ इस साइड से जेड आउट, दिस इज़ माई जेड आउट, तो जेड आउट क्या हो रहा है, थ्री रेजिस्टेंस 3 किलो ओम्स पैरेलल टू आर नॉट, यही था। आर नॉट तो वैसे ही बेचारा इन्फिनिटी हो गया, बहुत बड़ी वैली बड़ी हो गई है, इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, 3 किलो ओम्स, क्योंकि हमारे पास आउटपुट पे सिर्फ दो रेजिस्टेंस थे, एक ये रेजिस्टेंस था और एक ये था, तो हमने यहाँ पे क्या आंसर आ गया डायरेक्टली आपका, आर सी इज इक्वल टू 3 किलो ओम्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 किलो ओम्स, ठीक है। फिर हमें कैलकुलेट करना था ए वी, ए वी क्या होता है फॉर्मूला, माइनस आर सी अपॉन आर ई, और अभी हमें डेरिवेशन करके फाइंड आउट भी किया है, आर सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3 किलो ओम्स हमें गिवन थी क्वेश्चन में, आर ई की हमारे सामने गिवन है, वी फाइंड आउट दैट कि इनपुट हमारा 280 टाइम्स इम्प्रूव होगा बट इन द इन्वर्टेड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका पार्ट ई है कि आपने इसको रिपीट करना है विद 50 किलो ओम कैलकुलेशन में रखे, तो चेंज क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर सी पैरेलल टू आर नॉट, यहाँ पे भी आ जाएगा आर सी पैरेलल टू आर नॉट, और कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये अब आप लोग खुद कोशिश करिएगा एंड बुक में से आंसर को अपने कंपेयर करें, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कॉमन इमिटर वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके सामने आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी की थी, आर वन आर टू रेजिस्टेंस हैं, आर सी है, आर वन आर टू आर सी आर ई, ठीक है। तो अब इसका भी सबसे पहला अगर मुझे मॉडल बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी, आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट सर्किट द सप्लाइज, डी सी सप्लाइज, जब ये वी सी सी आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो आर सी ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ से आर वन ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर सी हमारे पास ग्राउंड हो गया, ठीक है, यहाँ से आर वन ग्राउंड हो गया, सही है भाई। आर टू हमारे पास वैसे ही यहाँ से जाके ग्राउंड हो रहा था, तो आर टू भी हमारे पास ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, कैपेसिटर्स को ग्राउंड करना है, तो ये कैपेसिटर्स दोनों हट गए, तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, वी आई की स्ट्रेट लाइन बन गई वी आउट की, ठीक है। तो आर वन आर टू सब इधर आ गए, अब रह गया इस ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर को ख़त्म करने के लिए हमने कहा सबसे पहला हमें इनपुट पे लगाना होता है रेजिस्टेंस बीटा आर ई, हमने इनपुट पे बीटा आर ई लगा दी इम्पीडेंस, और फिर हमारे पास आउटपुट के ऊपर हमें एक लगाना होता है आर नॉट, हमने वहाँ पर आर नॉट लगा दिया, और एक सोर्स ऑफ कलेक्टर करंट जो कि बीटा आई बी के बराबर होता है, तो ये सर्कल आपके इस रेक्टेंगल से रिप्लेस हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे तो यहाँ दो लग गए, यहाँ एक आरसी था ये एक आरसी लग गया, सेम वैसे से भी हमने वोल्टेज फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में किया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जेड आई किसके बराबर होगा, तो ऑब्वियसली आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे कहूँगा भाई बेटा जेड आई की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे कहेंगे मिस जेड आई की वैल्यू होगी आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू बीटा आर ई, इसी के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ जेड आउट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे मिस ये बराबर होगा आर सी पैरेलल टू आर नॉट, जैसे कि पहले था, ठीक है। तो लेट्स सी इट्स एनालिसिस। अब मैंने आपसे कहा कि आर जेड आई किसके बराबर होगा, तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया जेड आई बराबर होगा आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू बीटा आर ई, ये चीज़ हमने वही लिखी हुई है, ठीक है। आउटपुट किसके बराबर होगी आर सी पैरेलल टू आर नॉट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर सी पैरेलल टू आर नॉट, ठीक है। अब आगे आप कहेंगे अगेन आर सी के बराबर है बिकॉज आर नॉट बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ वी आउट किसके बराबर होगा, यानी कि ये, तो अब हमारे पास क्या है वी आउट किसके बराबर होगा आई नॉट, यानी कि आई आपके पास करंट की वैल्यू क्या है आई सी, कलेक्टर करंट कलेक्टर से गुजर रहा है, इसका मतलब कलेक्टर करंट है, किसके बराबर होगा बीटा आई बी के बराबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया किसके बराबर ये करंट बीटा आई बी, हमने लिख दिया बीटा आई बी, क्योंकि पॉजिटिव में एंटर होना चाहिए, यहाँ ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे जाना चाहिए था, तो ये नेगेटिव साइन भी लग गया,
और रेजिस्टेंस किया जैसे पहले किया था आर सी पैरेलल टू आर नॉट, सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब हमने आई बी कैलकुलेट करना हुआ तो आई बी किसके बराबर होगा, जो आपका इनपुट वोल्टेज है वी आई अपॉन किस चीज़ के, वी आई अपॉन बीटा आर ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज इसके क्रॉस कितना आ रहा है दैट इज इक्वल टू वी वी आई, राइट। सो हमने यहाँ पे लिख दिया वी आई डिवाइडेड बाई बीटा आर ई, ठीक, यह आ गया। अब हमने इसको सिंपली क्या किया, वी आई को हमने जो है वो इस पूरी वैल्यू को हमने रिप्लेस किया इधर, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू क्या आई आर सी पैरेलल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई आर ई, एंड वी फाइंड आउट कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, सेम वही माइनस आर सी अपॉन आर ई के। तो सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आया, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आया इनपुट इम्पीडेंस के ऊपर, आउटपुट इम्पीडेंस भी वही है, आपका वोल्टेज गेन भी वही है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है, इनपुट इम्पीडेंस में आ रहा है, ठीक है। कल देखते हैं फॉर द नेटवर्क आपके सामने नजर आ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर ई, आर ई डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला क्या होता है 26 मिली वोल्ट अपॉन आई ई, जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसमें आई ई हमारे पास नहीं है तो हमें सबसे पहले आई ई फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि डी सी एनालिसिस करते वक्त कैपेसिटर्स को नहीं छेड़ना, ठीक है, ये नहीं कि आपने आई कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा भाई ये तो रेजिस्टर, ये वाला रेजिस्टर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, डीसी एनालिसिस में हमें इनको, ये आपके एज इट इज़ ओपन सर्किट हो जाते हैं तो ये हम इग्नोर कर देंगे इनको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें आई ई फाइंड आउट करने के लिए हमें आई बी चाहिए होगा, तो हम सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया जो कि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का है, वी बी इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, आर टू, आर वन प्लस आर टू वी सी सी, यानी कि वी सी सी मल्टीप्लाई बाय आर टू डिवाइड बाई इन दोनों का सम, ताकि वी बी आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ से वी बी कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया 2.81 वोल्ट, सही है भाई। वी बी से हमें अब वी ई कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो वी ई किसके बराबर हो जाएगा, वी बी माइनस वी बी ई, क्योंकि आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि वी बी ई किसके बराबर होता है, वी बी ई बराबर होता है वी बी माइनस वी ई के, ठीक है। तो अब वी ई अगर मुझे निकालना होगा तो क्या होगा, ये वहां चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वलेंट टू वी बी माइनस वी बी ई, सही है। अब वी बी की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है, ठीक है, 2.81 वी बी ई, आपको पता है 0.7 होता है, आपने फाइंड आउट किया 2.11 वोल्ट्स, ठीक है। अब आपके पास वी ई यानी कि इमीटर पे वोल्टेज भी आ गया, रेजिस्टेंस आपके सामने 1.5 के है, आप दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास इमीटर करंट आ जाएगा, उस इमीटर करंट को हमने सिंपली क्या किया, अपने आर ई वाले फॉर्मूले में डाला, वी गेट द वैल्यू ऑफ आर ई, जो कि हमारा पहला काम था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस कितनी है जेड आई, तो अभी हमने पीछे बात की थी आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू बीटा आर ई, हमने यहाँ पे यही काम किया, पहले R1 पैरेलल टू R2 फाइंड आउट किया, फिर उसको पैरेलल टू बीटा RE फाइंड आउट किया, एंड वी गेट द वैल्यू 1.35 किलो ओम्स। फिर मैं आपसे कहूँ जेड आउट फाइंड आउट करने, तो जेड आउट की वैल्यू क्या थी, RC, दिस RC पैरेलल टू R0, ठीक है। अब R0 उन्होंने कहा इट्स इन्फिनिटी, इसका मतलब है वो सिंपली किसके बराबर होगा, बराबर होगी RC के, तो ये आ गया 6.8 किलो ओम्स, ठीक है। फिर हमें आपसे कहूँ कि AV फाइंड आउट करें, तो AV किसके बराबर था, माइनस RC अपॉन RE, तो हमने यहाँ पे लिखा RC अपॉन RE एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ AV, इसका मतलब है इतना ज़्यादा इसका वोल्टेज गेन हुआ है। अगेन पार्ट ई क्या है कि आप इसमें 50 किलो ओम्स रख के फाइंड आउट करें, तो आपने 50 किलो ओम्स जब रखा तो आपकी जेड आउट की वैल्यू क्या आई, इट कम्स आउट टू बी पैरामीटर बी से लेकर डी तक फाइंड आउट करें, तो आर नॉट क्योंकि हमारे आउटपुट पे इफेक्ट करता है, इनपुट पे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो इनपुट की वैल्यू वही है 1.35 के, आउटपुट की वैल्यू अब हो जाएगी RC पैरेलल टू R0, तो 6.8 पैरेलल टू 50 के, एंड AV की वैल्यू भी सेम आ जाएगी अपॉन RE करके, ठीक है। अब इसको मैं एक दफ़ा मॉडल आपके सामने दोबारा यहाँ पे बना देती हूँ कि किसी को कोई मसला हो तो फिर से क्लियर हो जाए। सबसे पहला वोल्टेज सप्लाई जो है वो आपके पास 56.82 के बना देते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्ट नीचे जा रहा है 8.2 के, वो वोल्टेज हमारा जो है वो इस वक्त कैपेसिटर सॉरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे कहीं आएगा, तो मैं इसको कह देती हूँ दिस इज प्लस साइन दिस इज माइनस साइन, कि हमारे पास वेव है, ठीक है। ये 8.2 के ओम आ गया, इस वाले रेजिस्टेंस को भी हमने जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बिकॉज ये वाली सप्लाई कैंसिल हो जाएगी, सो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, सो हमने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाई, ठीक है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 56 के, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये पूरी लाइन हमारी ग्राउंड की है,
ठीक है, इसके अलावा इनपुट पे क्या होता है, हमारे पास एक हमारे पास बीटा आर ई का रेजिस्टेंस होता है, वो क्यों होता है वो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि वो आपका होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस हेयर, ठीक है, दैट इज बीटा आर ई, दिस इज रेड आई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आउटपुट साइड का कैसे बनेगा, तो आउटपुट साइड का भी हमारे पास ऐसे ही बनेगा, हमारे पास एक 6.8K का रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड हो जाएगा क्योंकि VCC ग्राउंड है, क्योंकि VCC से करंट निकल रहा था तो ये करंट की डायरेक्शन ऊपर चली जाएगी क्योंकि नीचे से निकल रहा है वो, एंड दिस इज माय आउटपुट वी आउट प्लस माइनस एंड दिस इज ग्राउंड, और ये भी आपको यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे जाते हैं तो एक हमें पता है कि एक आउटपुट की हमारे पास रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमने जो है वो बना दी यहाँ पे आर नॉट, जो कि उसने कहा शुरू में इन्फिनिटी रखें बाद में इसको 50 के ले लें। फिर हमारे पास यहाँ पे एक अदद करंट की सोर्स होती है, हमने वो बना दी, दैट इज बीटा आई बी, और वो करंट जो है वो आपका कहाँ जा रहा है, वो आपका ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है, ठीक है, सो इट्स गोइंग टूवर्ड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो इसका मॉडल बनेगा। और अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करें, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, इनपुट इम्पीडेंस होगी आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू बीटा आर ई, यहाँ पे भी वही काम किया हुआ है, आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू बीटा आर ई। फिर मैंने आपसे कहा कि आर जेड नॉट कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, आर नॉट पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे यही किया आर सी पैरेलल टू आर नॉट, ठीक है। अगर आर नॉट इन्फिनिटी है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, अगर इन्फिनिटी नहीं है तो फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और ए वी का फॉर्मूला जो है वो सिंपली क्या होता है आर सी अपॉन आर ई, तो उससे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। एंड वट अबाउट दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। ये हमने जो परफॉर्म किया है दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करने की कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज बेसिकली बीटा आर ई इज शुड बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ आर टू। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर हम ये वाला अप्रॉक्सीमेट अप्रोच करेंगे जो हम ये वाला करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कराया है तो आप इन तीन लाइनों को इग्नोर कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगी, ठीक है। बीटा आर ई 10 टाइम्स आर टू, ये मैंने क्योंकि आपकी बुक से यहाँ पे पेस्ट किया इसलिए ये भी लिखा हुआ आ गया। ये यहाँ पे हमने क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली जब हम वोल्टेज डिवाइडर का डीसी एनालिसिस करते हैं ना बेटा, तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये जो मैंने आपको ये सिखाया है जो हम कब से सीख रहे हैं, एक और तरीका भी है, वो तरीका मैंने आपको जो स्किप करा दिया है। तो अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना तो हम इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हमें एग्जैक्ट मेथड पर जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ये मेथड है तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सही है। अच्छा, अब एक और आ जाते हैं कॉमन इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारे पास फ़र्क क्या है, हमें कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, दो अदद रेजिस्टेंस है आर सी आर बी, ये आर सी हो गया नीचे चला गया जैसे पहले बनाया था, आर बी चला गया आपके पास जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। आपके पास ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारे पास ये जगह बन गई वी आई आ गया, ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारे पास ये जगह बन गई वी आउट बन गया। अब हमारे पास आर ई के पास कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, कोई कैपेसिटर मौजूद नहीं है, अब मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, यहाँ पर सिर्फ गेम में ट्विस्ट ये आया है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें क्या रही, सेम रही, हमने इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, बीटा आई भी रिप्लेस कर दिया, हमने इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, हमने इसकी जगह पर बीटा आर ई रिप्लेस कर दिया, दिस इज़ आर इनपुट रेजिस्टेंस एंड दिस इज आर आउटपुट करंट, ठीक है। तो ये चीजें हमने अपनी वैसी की वैसी रिप्लेस कर दी जैसे कि हमें हमने जो है वो बनाई थी, बट अब ये सब मिलके कहाँ जा रहे हैं, ये नीचे करंट बन के जा रहे हैं जो कि आर ई की तरफ जा रहा है, और आई ई की वैल्यू क्या होती है ये हमने पहले भी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, आई ई की जो वैल्यू होती है दिस इज बेसिकली इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, वॉट एवर इज गोइंग एट कलेक्टर एंड वॉट एवर इज गोइंग एट द बेस, इन दोनों का सम, ठीक है। और आई सी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बीटा टाइम्स ऑफ आई बी प्लस आई बी, एंड दिस वुड बी इक्वल इन टू बीटा प्लस वन आई बी, आप आई बी कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपली ये लिखा कि दिस इज माई जेड इनपुट इम्पीडेंस, दिस इज फ्रॉम आउटपुट इम्पीडेंस, दिस इज आई बी, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास जो एमिटर करंट है ये बेस करंट है, एंड दिस इज द कलेक्टर करंट जो हमने यहाँ पे बीटा आई बी की फॉर्म में शो किया हुआ है, सही है। अब इसकी अगर मुझे कैलकुलेट करना है इनपुट इम्पीडेंस तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, मैंने सबसे पहले लिखा कि वी आई किसके बराबर, वी आई बराबर किसके होगा, जो भी आपका आई बी इंटू बीटा आर ई,
प्लस आई ई इंटू आर ई, इन दोनों का सम हम जब कर देंगे तो ये जो इसका और इसका प्लस था होगा वही पूरा वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हमने यहाँ पे यही इक्वेशन लिखी, वी आई इज इक्वल टू आई बी बीटा आर ई प्लस आई ई इंटू आर ई। ठीक है, ये बात आप अपने अपने जहन में रखना है, राइट। अच्छा, ये हमने क्या किया, इस वाली जगह को लिखा इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, ये कंप्लीट वोल्टेज ऐड होगा तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आ जाएगा। अब आपके जहन में सवाल है, यहाँ को भी तो, इसको भी तो इंक्लूड करना चाहिए था। देखिए, इसका हमें करंट ना आई आई हमारे पास है नहीं, तो हम इससे नहीं काम कर सकते। हाँ, हम आई बी डी सी एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं, आई ई फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आर ई भी फाइंड आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है, तो इससे हम एक इनपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, वी आई, वी आई इसके बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने आई की जगह लिखा बीटा प्लस वन आई बी, ये आपको पता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से जो है हमने आई बी की, आप समझ लीजिए कि एक वैल्यू मैंने इसको, आप इस तरह से समझ लीजिए, मैंने आई बी वी आई की जो वैल्यू है इस इधर से आई बी कॉमन लिया, जब मैंने यहाँ से आई बी कॉमन लिया तो क्या बचा, बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई, यही बचा। अब मैं इस आई बी को उठा के नीचे ले गई तो ये बन गया वी आई अपॉन आई बी इज इक्वल टू बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई, और ये चीज़ किसके बराबर है, ये बराबर है आपकी इम्पीडेंस जेड बी के, वी अपॉन आई क्या होता है जेड, ठीक है, एंड क्योंकि हम बेस की बात करें तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस लिख दिया, तो जेड बी किसके बराबर है, वी आई अपॉन आई बी, और वो किसके बराबर है, बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन से आई बी कॉमन लिया है, उसको कॉमन लेने के बाद यहाँ नीचे लेके चले गए और ये रेशो बन गया, इसके बराबर हो गया, और ये रेशो किसके बराबर है, ये रेशो इसके बराबर है। ठीक है, अब मैंने कहा इस बीटा प्लस वन को मैं अगर बीटा आर ही ले लूँ अप्रॉक्सीमेट करके, क्योंकि मैं अब 100 लूँ या 101 लूँ, दे आर वेरी क्लोज, तो ये आपके पास बीटा, हम यहाँ से हमने इसको बीटा ले लिया, फिर बीटा हमने यहाँ से कॉमन लिया, ये बन गया आर ई प्लस आर ई, एंड देन हमने ये देखा कि हमें ये बात पता है कि आर ई जो होता है रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू आर ई के, तो जो भी छोटी वैल्यू है हमने कहा वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ उसी के बराबर आएगी। ठीक है, या आप सिंपली ये वाली क्वेश्चन यूज़ कर लें, बीटा आर ई प्लस आर ई, राइट। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूँ दिस इज़ जेड बी, अब जेड आई कितना है, जेड आई आर बी पैरेलल टू दिस वैल्यू है, बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स है, हमने सबसे पहले यहाँ की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, इस जगह की रेजिस्टेंस कितनी होगी, इस जगह की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ का वोल्टेज तो मुझे पता है वी आई, क्योंकि ये सब कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैंने इस वोल्टेज को ब्रेक किया दो पार्ट्स में, आई बी बीटा आर ई और आई ई आर ई। ठीक है, ये काम करने के बाद मैंने फाइंड आउट कर ली जेड बी की वैल्यू। अब मेरे पास जेड बी की वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अदद, एक समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस आ गया है जो कि जेड बी है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जेड आई कितना है, इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, तो जैसे हम पहले करते थे हम वैसे अभी भी करेंगे, आर बी पैरेलल टू जेड बी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया, आर बी पैरेलल टू जेड बी, और जेड बी किसके बराबर है, जेड बी बराबर है बीटा आर ई प्लस आर ई के, राइट। और मैं अगर जेड आउट की बात करूँ तो वो किसके बराबर है, आर सी के बराबर है, चाहिए ओके। अब अगर मुझे कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि हमें वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है, तो वोल्टेज गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी आउट, वी आउट किसके बराबर हो गया, आई नॉट आर सी, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस साइन आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस आई नॉट आर सी। अब अगर यहाँ पे स्मॉल आर नॉट या आर एल लगा हुआ होगा तो वो सब भी पैरेलल में आ जाएगा जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे हमने वो सब अभी स्किप कर दिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये हो गया माइनस आई नॉट आर सी, राइट। अब आपके पास आर आई नॉट किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू बीटा आई बी, हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया बीटा आई बी। आई बी किसके बराबर था, बेस करंट हमने अभी डिस्कस किए, वी आई अपॉन जेड बी, तो हमने लिख दिया वी आई अपॉन जेड बी। अब मैं इस वी नॉट अपॉन वी आई किया, क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज निकालना है, जिस जो किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है वोल्टेज गेन के, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाई जेड बी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ चली गई, तो यहाँ क्या बचा, माइनस बीटा आर सी डिवाइड बाई जेड बी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया कि जेड बी किसके बराबर होता है, बीटा आर ई प्लस आर ई, अभी आपने पीछे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस चीज़ के ऊपर रिप्लेस कर दिया यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो गया माइनस बीटा आर सी अपॉन बीटा आर ई प्लस आर ई, बीटा बीटा कैंसिल हो गए, आंसर बचा आर सी अपॉन आर ई प्लस आर ई। ठीक है, दिस इज द बेसिक जो है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज द एक्चुअल फार्मूला, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको बेटा बराबर ले लो, बीटा आर ई के बराबर ही ले लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आर सी अपॉन आर ई, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो वो ये इसके बराबर आएगा, अगर आप एग्जैक्ट बात करें तो वो इसके बराबर आएगा। अब आपके पास जो है वो फार्मूलाज भी आ गए हैं, अब आपके पास जो है वोल्टेज गेन्स भी आ गए हैं, नाउ वी आर एबल टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल।
जो कि आपके सामने यहाँ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने विदाउट सीई यूज़ करें, यानी कि ये रेजिस्टर आपका अनबायपास्ड है, यानी ये कैपेसिटर यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो मैं आपको 100% तो सॉल्व नहीं करके दिखा रही, बिकॉज अब ऑलरेडी बहुत सॉल्व कर दिए हैं। पहले मॉडल बना लेते हैं, फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, तो क्विकली हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग अपने एंड से खुद कोशिश करिएगा। पहले मैंने इस सप्लाई को ख़त्म किया 20 वोल्ट्स को, तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया 470K ओम्स का रेजिस्टर, ठीक है। और दिस रेजिस्टर इज़ बेसिकली जो आपके पास है वो क्या है, 10 माइक्रोफेरेड्स है, तो ये भी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अ सोर्स, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड आपके पास ये जगह हो गई पूरी ग्राउंडेड, ठीक है। आउटपुट पे हमारे पास एक अदर 2.2 के का रेजिस्टर है जो कि अगेन ग्राउंडेड हो जाएगा, तो ये अगेन 2.2 के का रेजिस्टर है, ये आपका ग्राउंड हो गया है। एंड दिस इज़ गोइंग आउट हेयर, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो जगह है ये आ जाएगी प्लस माइनस वी आउट, सही है। ये हमारा रेजिस्टर एमिटर वाला भी नहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा, तो इसको हमें बेचारे को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा 0.56 के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना मॉडल बना सकती हूँ कि एक मेरे पास यहाँ चीज़ होती है बीटा आर ई, बल्कि आई वॉन्ट टू मेक दिस मॉडल विद डिफरेंट कलर, ताकि आपको भी समझ आए कि मैंने किससे रिप्लेस किया। लेट्स मेक इट विद द ब्लू कलर, ग्रीन से बना लेते हैं। सो यहाँ पे अब मैंने जो है वो एक अदद रजिस्टर बनाया है, सही है, और यहाँ पे एक अदद मेरी जो है वो सोर्स बनेगी, दैट इज़ बीटा आई बी, दिस इज़ बीटा आई बी, सही है भाई, एंड दिस इज़ बीटा आर स्मॉल आर ई। ये हमारा जो है वो इस वक्त मॉडल बन चुका है, ठीक है। दिस इज़ आर कम्प्लीट मॉडल जो कि हमारा बन चुका है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आपने सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम है हमें आर ई फाइंड आउट करना है। तो आर ई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, आर ई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है 26 मिली वोल्ट्स डिवाइडेड बाय आई ई, ठीक है। आई ई जो है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, आई ई हमारे पास फार्मूला होता है, अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ मुझे इमिटर करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आई बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आई बी किसके बराबर, आई बी क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई ई बराबर होता है बीटा प्लस 1 आई बी के, ठीक है, वो इसके बराबर होता है। तो इसलिए अगर मेरे पास आई बी आ गया तो मेरे पास आई ई भी आ जाएगा, सही है। तो आई बी की वैल्यू क्या है, 20 माइनस 20 वोल्ट जो वी सी सी लगा हुआ है माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय जो भी रेजिस्टर कितना है 470 के, ठीक है। यहाँ से आपने आई बी की वैल्यू फाइंड आउट की, जो भी वैल्यू आपकी आई बी की आई वो आपने इस फॉर्मूले में पुट इन की, वो वैल्यू पुट इन करने के बाद आई ई आ गया, एंड आई ई यहाँ से करके हमने आर ई फाइंड आउट कर लिया, दिस इज पार्ट ए, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं पार्ट बी, जेड आई। जेड आई किसके बराबर होगा, जेड आई बराबर होगा 470 किलो ओम्स, दिस इज पार्ट बी, इट्स किलो ओम्स पैरेलल टू जेड बी, ठीक है। एंड जेड बी किसके बराबर है, जेड बी बराबर है हमारे पास बीटा, हमने अभी पूरी वर्किंग की है, बीटा टाइम्स ऑफ आर ई प्लस आर ई, तो दिस इज आर फार्मूला। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने आर ई ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, आर ई आपके सामने है, दैट इज 0.56 के, एंड बीटा वैल्यू इज 120, इससे आप आंसर जो भी निकालेंगे उसका पैरल कॉम्बिनेशन लेंगे 470 से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड आई, ठीक है। अब हम लेते हैं वैल्यू जेड आउट की, जेड आउट कैसे करेंगे, जेड आउट हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, इट इज सिंपली इक्वलेंट टू आर सी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इग्नोर कर दीजिए आर नॉट को, ठीक है, हमने इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास सिंपली वो किसके बराबर हो गया, 2.2 के हो गया, जो कि आपका आर सी है। और ए वी फाइंड आउट करना है, अब ए वी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, एज फार एज आई रिमेंबर ए वी फार्मूला करने के लिए ये था आर सी अपॉन स्मॉल आर ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर ई, ठीक है, ये भी हमने पीछे ड्राइव किया है। तो आर सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे 2.2 के, स्मॉल आर ई आपने अभी कैलकुलेट किया है, कैपिटल आर ई आपको गिवन है 0.56 के, आपने सिंपली ए वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एंड यू हैव टू इग्नोर द वैल्यू ऑफ आर नॉट। अगर मैं आपसे कहूँ कि इग्नोर नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, आर सी पैरेलल टू आर नॉट, यहाँ पे भी जेड नॉट को भी, और ए वी कैलकुलेट करते हुए भी आप यहाँ लिखेंगे आर सी पैरेलल टू आर नॉट,
ठीक है, दैट्स इट फॉर योर दिस कॉन्फ़िगरेशन. हमने सिंपली हर तरीके डिस्कस कर लिया है. दैट्स इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर. ये आपका पूरा कंप्लीट हमने एसी एनालिसिस बीजेटीज का कर लिया है. अब हमें एसी एनालिसिस करना है इंशाल्लाह फैट्स का इन योर नेक्स्ट लेक्चर. दैट वुड बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस कोर्स. ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.